गुजरात इलेक्शन का बिगुल फूक चुका है, ऐसे में बीजेपी की क्या कुछ स्ट्रैटेजी है, इसके लिए आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर पुरुषोत्तम रूपाला सर, जो गुजरात के सौराष्ट्र से आते हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ स्ट्रैटेजी है, आइए उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है सर आपका। सर, आपसे जानना चाहूँगी, इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक है गुजरात में और आप सौराष्ट्र से आते हैं, तो ऐसे में अगर बात की जाए, ओवरऑल अगर बीजेपी की बात की जाए, तो फिलहाल क्या स्थिति है और क्या स्ट्रैटेजी है? भारतीय जनता पार्टी गुजरात यूनिट ने बहुत ही पहले दौर में ही इलेक्शन का मुकाबला करने के लिए बड़े अच्छी तैयारियां करके रखी हुई है। हमारी सेंट्रल पार्टी की ओर से और भारत सरकार की ओर से हमारे वरिष्ठ नेता अरुण जेटली जी हमारे पूरे इलेक्शन को गाइड कर रहे हैं, और भी 3-4 मंत्री इन कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। पार्टी की ओर से हमारे अध्यक्ष आदरणीय अमित जी, वो भी सीधा मार्गदर्शन कर रहे हैं, और गुजरात की टीम, उन्होंने बूथ लेवल तक अपना प्लानिंग कार्यकर्ताओं को सज कर दिए हैं, दौरे बन चुके हैं, और अंतिम दौरे के रूप में हमारे दो रथ निकाले गए थे पार्टी की ओर से गौरव यात्रा के रूप से, जो करीबन 130 से ज़्यादा विधानसभाओं के क्षेत्रों में घूमकर अभी वो समाप्त हुए, और उसकी समाप्ति के दौर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को, जो फील्ड में जिनको काम करना है, ऐसे कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए वो पधारे थे स्वयं, और उनके उस मार्गदर्शन से कार्यकर्ता भी बहुत प्रोत्साहित हैं और मुकाबला करने के लिए पार्टी बिल्कुल सज्ज है जी। और जीत, वो भी अगली सारी जीतों के मुकाबले बहुत ही अच्छी जीत लेने के लिए हम सज्ज हैं। सर, अगर बात करें तो आप एक कद्दावर पाटीदार लीडर हैं, ये सभी जानते हैं, ऐसे में पाटीदार लगातार आरक्षण की मांग कर रहे हैं, खासकर बात करें हार्दिक पटेल जिसको लीड कर रहे हैं, तो क्या वाकई में ये माना जाए, ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पाटीदार है या दलित है या ओबीसी है, जिग्नेश मेवाणी हो गए या ये ठाकुर हो गए, अल्पेश ठाकुर, इन सब की एक गुट हो जाएगी और कहीं ना कहीं बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी, इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, ये सभी तीन नेताओं के आपने नाम लिए, उन्होंने आंदोलन करने का, समाज को गुमराह करके सरकार को भिड़ाने का ये सारा प्रयास किया हुआ ही है, मगर अभी के जो डेवलपमेंट हो रहे हैं और उनकी और कांग्रेस की जो नज़दीकियाँ खुल रही हैं, और उनमें भी कई ऐसे वीडियो अब सामने आ गए हैं कि जो कांग्रेस छद्म रूप से इन लोगों को उकसाकर सरकार को घेरने के लिए उनका प्रयोग कर रही थी। अभी तो बात ये चल रही है कि अभी ये तीन नेताओं के नाम से सरकार, कांग्रेस जीतना चाहती हैं और सरकार बनाना चाहती हैं। अभी इनके कोई नेताओं के नाम ही नहीं चल रहे हैं, तो गुजरात की जनता को इतना भी वो समझ रहे हैं कि बिल्कुल पता ही नहीं लगता, ये कांग्रेस के एक नेता का नाम भी वो मार्केट में नहीं रख रहे हैं, किसी नेता के नाम पे वोट नहीं मांग रहे हैं, ये तीन लोग इनको वोट बटोर के देंगे और वो सरकार बनाएंगे, ऐसे ख्वाबों में सर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। देखो, जब हार्दिक की बात पूरा समाज सुन रहा था, आज वो स्थिति की और आप न्यूज़ में भी देख रहे होंगे कि उनके खिलाफ भी नारे समाज वाले ही लगा रहे हैं। बिल्कुल सर, यही